हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये आकार का डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो लेडीज स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में और बच्चों के स्वेटर में बहुत अच्छा लगता है। डालो तो आप ये डिज़ाइन डाल के स्वेटर बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए तो बनाना मैं सिखाऊंगी इसको, कैसे बनाते हैं। देखो, इसमें 12 के मल्टीपल फंदे लेते हैं प्लस 4 फंदे। 12 के मल्टीपल फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक 12 के मल्टीपल फंदे लिए हैं। मैंने इसमें 40 फंदे लिए हैं टोटल। 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 4 फंदे, 40 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे बनाएंगे। पहला फंदा है वो ऐसे ही उतार लेंगे, फिर दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, एक दो फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे करेंगे, फिर एक दो तीन चार फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद हम ये वाला डिजाइन डालेंगे, जैसे इसको हम ये दो फंदे हैं दो फंदों के पीछे से इसको ऐसे लेंगे और ऐसे एक लूप बनाएंगे। एक लूप बनाने के बाद ये लूप इसको इसी में डाल लेंगे और धागा आगे लाएंगे और इसको ये लूप और आगे का फंदा दोनों को दो का एक कर देंगे और ऐसे उल्टा बुनते हुए और सेकंड फंदा भी उल्टा बुन देंगे। इस तरह हमको ये बनाना है। फिर उसके बाद हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार फंदे सीधे बनाएंगे। फिर हम ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार फंदे सीधे बनाने के बाद फिर फ्रेंड्स ये दो फंदों के पीछे से हम एक लूप बनाएंगे। ये लूप बना के इसी सिलाई में इसको डाल लेंगे और धागे को आगे लाएंगे, इसको दो का एक कर देंगे और आगे का फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार फंदे सीधे बनाए। अभी फिर दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे, ऐसे लूप बनाया और ये इस लाइन में कर लिया। फिर धागे को आगे लाएंगे, इसको उल्टा बुनेंगे। दो फंदे हमने ये उल्टे बनाए, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर एक दो तीन चार फंदे सीधे बनाएंगे। फिर ये दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर धागा पीछे ले जाके इस फंदे को लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह हमने पूरी सिलाई निकालनी है। अब बैक साइड में, उल्टी साइड में हम पहला फंदा इससे उतार लेंगे। फिर दो फंदे हमारे ये सीधे हैं, ये सीधे बुनेंगे और ये हमारे उल्टे फंदे हैं, जो 10 हमारे उल्टे फंदे हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 फंदे हमने उल्टे बनाए। तो यह धागा पीछे ले जाके फिर दो फंदे सीधे, एक दो, इस तरह हम पूरी सिलाई निकालेंगे।
देखो फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई ये निकाल ली है, अब सीधी साइड से हम फिर दोबारा से वो डिज़ाइन बनाएंगे। पहला फंदा स्टिच डाल लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे और धागा पीछे ले जाके एक दो तीन, इस बार हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये फंदा है, ये दो फंदों के बीच में से हम एक लूप बनाएंगे। दो फंदों के बीच में से एक लूप बनाया और इसको हम दूसरी सिलाई में कर लेंगे और ये लूप वाला फंदा और साथ वाला फंदा इसको हम एक साथ बुन लेंगे और उल्टा साथ वाला भी उल्टा बुन लेंगे। अब इसके इसमें भी हम वही करेंगे, एक दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे इस तरह और इसको इसमें डाल लेंगे धागा आगे करके और ये उल्टा फंदा बनाएंगे। दो का एक करने के बाद उल्टा फंदा बनाएंगे, तो इस तरह हमारे ये दो बबल्स बन गए हैं। इसके बाद धागा को पीछे ले जाएंगे और तीन फंदे फिर एक दो तीन फंदे हमने सीधे बनाए, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह हमारा एक ये डिजाइन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अभी दोबारा से हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर ये दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे और इसको इसके अंदर ले जाएंगे और ये दो का एक कर लेते हैं उल्टा और ऐसे। फिर हम धागा पीछे ले जाएंगे, फिर दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे और इसमें ये ऐसे डाल के दूसरी सिलाई में आगे धागा करके दो का एक करना है उल्टा बनना और ये पूरा दो फंदे उल्टे बने। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें पहले हमने पहले सिलाई में एक बनाया था, अब इसमें हमने दो बनाए, दो बबल्स बनाए हैं और इस तरह ये बबल्स बढ़ते जाएंगे और ये तीन फंदे हमने सीधे बनाए। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर उल्टा उल्टे और फिर तीन सीधे, इसी तरह पूरी सिलाई बनाते हुए मैं कंप्लीट करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरी सिलाई बना ली है, ये देखो। अब हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। उल्टी सिलाई में जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं, जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे, फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। पूरी सिलाई इसी तरह मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब राइट साइड में पहला फंदा उतारेंगे, फिर दो फंदे हम सीधे लेंगे उल्टे, सॉरी उल्टे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर अब हम इसमें दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम फिर इस दो फंदों में बबल्स बनाएंगे। ये हमने एक लूप बनाया, इसको इसके अंदर डाला सिलाई में, धागा आगे करके और दो का एक करना है, दो का एक किया और फिर आगे का फंदा भी हमने दो का एक उल्टा ही बना दिया। अब यहाँ पर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे,
अब ये दो फंदे सीधे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे बीच में, फिर ये हमको यहाँ से दो फंदों के बीच में से एक लूप बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह एक बबल्स बनाएंगे। इनका बना के बबल्स बनाने के बाद फिर हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो, इस तरह हमारा एक डिज़ाइन ये ख़त्म हुआ। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें एक हमारा यहाँ से एक यहाँ से, इस तरह ये वी शेप में ये बनता जाएगा और इधर से इधर ये बढ़ते जाएंगे, ये बीच में हमारे सीधे फंदे शुरू हो जाएंगे। ये इस तरह बनाएंगे हम दो फंदे, फिर सीधे बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे बनाए। अब यहाँ से फिर बबल्स बनाएंगे हम दो फंदों के आगे से लूप बना के, इसमें धागा आगे करते, फिर दो का एक करना है, फिर ये वाला फंदा भी उल्टा बनाना है। फिर हम यहाँ पर एक दो, दो फंदे हम फिर यहाँ पर बीच में सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ बबल्स बनाएंगे, ये इसको इस लाइन में लेके फिर इस तरह बबल्स बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर दो फंदे सीधे बनाएंगे, इस तरह ये पूरी सिलाई बनाएंगे। और ये सिलाई निकाल के, उल्टी सिलाई निकालने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली, अब सीधी साइड में। अब देखो ये हमारा बबल्स यहाँ से यहाँ बनेगा, इन दो दो फंदों में बनेगा। अब देखो पहला फंदा हम उतार लेंगे, फिर दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो, दो फंदे हमने उल्टे बनाए। अब हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, सीधा बनाने के बाद अब इन दो फंदों में हमको बबल्स बनाना है, फिर दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे, लूप इस सिलाई में करेंगे, धागे को आगे लाएंगे, धागे को आगे ला के ये दो का एक करेंगे और इसको भी उल्टा बनाएंगे। फिर हम बीच के फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब हमारे चार फंदे हो गए हैं, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे और फिर यहाँ पर बबल्स बनाएंगे, दो फंदे को पीछे से एक लूप बनाएंगे और इसमें डालेंगे सिलाई में और इसको हम फिर उल्टा बनाएंगे, दो फंदों को एक करेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। फिर ये हमारा एक फंदा यहाँ पर सीधा हो गया। इस तरह से हमारा एक ये डिजाइन यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ से फिर दूसरी लाइन शुरू होगी, दो उल्टे बनाएंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे यहाँ, फिर यहाँ बबल्स बनाएंगे, दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इसमें आगे फंदा, आगे धागा लाने के बाद यहाँ पे दो का एक करेंगे हम, इसको दो का एक करने के बाद इसको भी उल्टा बनाएंगे, फिर बीच में ये फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे हम बीच में सीधे बनाएंगे, फिर यहाँ पर लूप बबल्स बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे दो फंदों के पीछे से इस तरह और इसको इसमें लेंगे इस तरह, दो का एक, फिर यहाँ पर दो का एक करेंगे और यहाँ पर एक ये उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक ये सीधा फंदा बनाएंगे और ये फिर दो उल्टे फंदे बनाएंगे। इस तरह ये पूरी सिलाई बना के हम कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ एक लूप बनाएंगे, इसको इसमें करके फिर धागा आगे लाएंगे, फिर दो दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर बीच में फंदे एक दो तीन
चार, चार फंदे सीधे बनाएंगे। सीधे बनाने के बाद यहाँ पर फिर एक लूप बनाएंगे दो फंदों के पीछे से, लूप इस सिलाई में डालते हुए धागा आगे लाएंगे और ये दो फंदों का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, ये ऐसे इस तरह। फिर पीछे हम एक सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरह हमारी ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगी। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी सिलाई बन गई है। अब देखो पूरा पहला फंदा हम उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारा देखो यहाँ पर बिल्कुल ये लास्ट का फंदा एक सीधा था, इन दो फंदों में अब हम बबल्स बनाएंगे। इन दो फंदों में ऐसे पीछे से एक लूप बनाएंगे, उसके बाद इसको इस सिलाई में डालेंगे, धागा आगे करेंगे और ये उल्टा फंदा बनाएंगे धोखाई करते हुए, और ये उल्टा फंदा बनाएंगे। ये हमारा देखो बिल्कुल इधर लास्ट में बबल्स चला गया है। अब ये बीच में फंदे हमारे एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हमारे बीच में ये सीधे हो गए हैं। फिर अब हम यहाँ पर बबल्स बनाएंगे, ये ऐसे लूप बनाते हुए इसको धागे को आगे लाएंगे, धोखाई करेंगे उल्टा बनाते हुए और इसको भी उल्टा बनाएंगे। अब ये दो फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको भी उल्टा बुन लेंगे। ऐसे दो फंदे उल्टा बुने, फिर हम एक बबल्स यहाँ पर दो फंदों में बनाएंगे। इसे ये देखो लूप बनाते हुए अब इसमें आगे धागा लाएंगे, इसको धोखा एक कर देंगे, ये भी उल्टा बनाएंगे। फिर बीच में एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हमने सीधे बनाए। छः फंदे सीधे बनाने के बाद देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फिर हमको एक बबल्स बनाना है, इसलिए हम दो फंदों के पीछे से एक लूप बनाएंगे और इस फंदे को इसके पीछे डालेंगे और ये उल्टा धोखा एक करते हुए ये हमने पूरा, इस तरह हमारा ये पैटर्न पूरा बनके तैयार हो गया है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फिर हम दो फंदे उल्टे बनाएंगे, यहाँ पर फिर बबल्स बनाएंगे, धोखा एक बबल्स ऐसे उल्टा एक करते हुए इसको उल्टा बनाएंगे। बीच में सीधे छह फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। इस तरह हमारे ये बीच में फंदे बढ़ते जाते हैं और साइड में बबल्स चलते जाते हैं। ये किनारे पे बबल्स हमारा पहुँच गया, ये देखो इसको हम इस तरह इधर बबल्स बनाएंगे। ये लास्ट के फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनाएंगे, फिर लास्ट का फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे। इस तरह हमारा ये डिज़ाइन पैटर्न पूरा ही कंप्लीट हो गया है। और रॉन्ग साइड में जो ये हमारे दो फंदे सीधे बनेंगे और ये फंदे उल्टे बनेंगे, ये सारा रॉन्ग साइड में यही चलता जाएगा और राइट साइड में इस तरह ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा। देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है ये। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।